बच्चों को आप समझाइए कि मास्क लगाना है ये बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए, आप लगा भी दीजिए तो वो हटा देंगे। डिस्टेंसिंग रखनी है उन्हें समझा दीजिए, वो थोड़ी देर बाद उसे नहीं मान रहे होंगे। तो मास्क डिस्टेंसिंग जिसे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, बच्चों को ये नहीं समझ में आता, क्या करें? वेल आई थिंक अब वो उतना प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं समझ आता है, मे बी बिकॉज ऑफ अवेयरनेस ऑफ मीडिया। उल्टा आज का मुद्दा इस तरीके से उठना चाहिए कि आपको उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या करना चाहिए, बिकॉज सवाल उठते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उठते हैं कि जुकाम हो गया मुझे, शायद कोरोना है, चेक करा लो टेस्ट, मुझे खांसी हो रही है मेरा कोरोना का चेक करा लो। आजकल तो ये भी नौबत आ गई है कि बच्चे इस तरीके से पेरेंट्स को, तो मेरा यही कहना रहेगा जैसे उन्होंने कहा उससे थोड़ा सा कदम आगे। फर्स्ट आपको डिवाइड करना होता है बच्चे का कौन से ग्रुप में देख रहे हो। एक होता है कि आपका 6 ईयर से कम, वो लोग ज्यादा चिपक जा रहे हैं एंड क्लिंगीनेस टू द पेरेंट्स आ जा रहे हैं, एंड ओवर 6 to 10 years के उसमें एंड एडोलेसेंट्स, बिकॉज स्कूल्स का नहीं मिल रहा, पीयर ग्रुप का नहीं मिल रहा, तो उनको अपनी अलग से प्रॉब्लम, घर पे सारे टाइम बैठे हुए हैं, सो मेनी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स, एग्रेसिव नेचर, क्लिंगी नेचर, ये तो हुआ है। थोड़े बच्चे स्पेशल नीड्स से होते हैं, जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे, जैसे ओसीडी, ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव, उनको हर एक चीज सही होना, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो पेरेंट्स को भी समझना है कि इस टाइम ऑटिज्म ओसीडी की प्रॉब्लम्स वाले बच्चों को स्पेशल केयर करना है। और ये रोल सिर्फ और पेरेंट्स को 4 लोगों को देखना होता है, ए पेरेंट्स, सेकेंड पीडियाट्रिशियंस। अब जब ये पीडियाट्रिक्स के पास जाएंगे, इनकी जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है बच्चे पर ये टाइम ही बताएगा, तो द पीडियाट्रिशियन शुड बी स्मार्ट कि उसको पिकअप करे कि ये बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स चल रही है। क्योंकि आगे जाके आईक्यू और ईक्यू पे इफेक्ट, मेंटल हेल्थ वर्कर्स, स्कूल टीचर्स, तो ये चारों को काम करना पड़ेगा इन आइडेंटिफाइंग दिस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट आर अराइजिंग एंड आगे भी जो आएंगी उसको। आज मैं शाबाशी देती हूँ जी को कि इस चीज इस मुद्दे पे करा, हर एक टाइम न्यूज में नेगेटिवनेस आ रही है तो हम कहते हैं कि न्यूज को लिमिट करिए, घर के अंदर लिमिटेड न्यूज बच्चों के सामने रहिए, बिकॉज बहुत नेगेटिविज्म हो रहा है तो लिमिट करते हैं हम, जीरो नहीं बोलते बट लिमिट द न्यूज। सेकेंड इज पॉजिटिवनेस, मोटिवेशन। एक चीज है कि ग्लास आधा खाली है, ग्लास आधा भरा है, मैं ऐसी बंदी हूं जो बोलती है ग्लास पूरा भरा है, आधा पानी से आधा हवा से, तो वो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से हमको सबको मिलके करना है। जो दुख इस टाइम पे सारे लोगों को पड़ रहा है, फैमिली स्टार्ट्स फर्स्ट और उसके बाद आउटसाइड। आपने स्कूल टीचर्स का भी यहां पर जिक्र किया, माता पिता का भी जिक्र किया, इसलिए मैं जो है ज्योति गुप्ता जी का रुख करना चाहूंगा जो कि डीपीएस साहिबाबाद के प्रिंसिपल हैं। और ज्योति जी, माता पिता का रोल तो बड़ा है ही, स्कूल बंद है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, कैसे बच्चों की काउंसलिंग की जाए इस कोरोना काल में ताकि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे? बच्चों को इस समय एंगेज करना बहुत जरूरी है, चाहे वो माँ बाप एंगेज करें या टीचर्स एंगेज करें, क्योंकि उनको अगर क्रिएटिवली हम लोग एंगेज नहीं करेंगे और उनके साथ हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे और उनको अपने पीयर ग्रुप से भी, चाहे वो ऑनलाइन ही मिल रहे हैं, अगर बच्चों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो उनमें और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा। जब वो बच्चों से मिलते हैं और क्रिएटिवली एंगेज हो पाते हैं तो उनको ये लगता है कि वो अकेले नहीं इस प्रॉब्लम से जूझ रहे, जहां पर उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा या घर में ही रहने को कहा जा रहा है, या कितने बच्चे इस वक्त संक्रमित भी हुए हैं और उनके साथ और प्रॉब्लम्स भी है। तो ये जब बच्चे सब इकट्ठे होते हैं तो चाहे ऑनलाइन ही इकट्ठे हों तो उनको एक बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो लोग आपस में बात भी कर पाते हैं। काउंसलर्स स्कूल्स में होते हैं और टीचर्स भी एज काउंसलर्स काम करते हैं, हम लोग वन ऑन वन बात करते हैं बच्चों से और हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करते हैं। और जब उनसे हर वक्त हम लोग टाइम मैनेजमेंट और पॉजिटिविटी का, और अगर हम कोरोना की बात भी करते हैं तो उनको रिसर्च की तरफ लेके जाते हैं, हम जो
पास्ट में पैंडेमिक्स हुए हैं वो भी कितना टाइम रहे हैं, कितने टाइम के बाद वो ठीक हो जाते हैं और कैसे लाइफ नॉर्मल हो जाती है उसके बाद, ये सब बच्चों के साथ साझा करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर बच्चे को एक सिल्वर लाइनिंग देखने की जरूरत होती है। और बच्चे आज बहुत जूझ रहे हैं, मैं ऐसे बच्चों को स्कूल में जानती हूँ जहाँ पर दोनों पेरेंट्स की डेथ भी हो गई है और वो बच्चे अकेले जूझ रहे हैं, उनके पास कोई भी नहीं है और उनको मतलब लास्ट राइट्स करने के लिए भी कोई उनके परिवार से आगे नहीं आया है। तो ये चीज सोच पाना, इस चीज को देख पाना बहुत मुश्किल है और बच्चे इस वक्त बहुत स्ट्रेस में जाते हैं, इसलिए टीचर्स को और काउंसलर्स को हर वक्त इन टच रहना होता है और हम ऐसे बच्चों से बारी बारी बात करते हैं, वन ऑन वन बात करते हैं, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो वो अपनी बात नहीं बता पाते किसी को भी। तो ये बात ना करना सॉल्यूशन नहीं है।